नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया उसका नाम है स्नो मॉन्स्टर। तो मूवी शुरू होती है जहां हम देखते हैं एक काफी ज्यादा बर्फीली जगह जहां पर एक रिसर्च टीम अपनी एक वैन से किसी चीज की तलाश में यहां पर आई है और इस पूरी टीम की लीडर सू चैन नाम की लड़की है और इन लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता इनके हेडक्वार्टर में बैठे सीनियर लोग दे रहे हैं। अब कुछ आगे बढ़ते ही इन लोगों के सभी डिवाइसेस इनको रीडिंग देते हैं कि इस जगह पर काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर से इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि इनके आसपास कोई खतरा है तो ये जल्दी से अपनी वैन मोड़कर वापस आ जाए, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इनकी कार खराब हो जाती है और इसी के तुरंत बाद इनके आसपास की धरती हिलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उस जमीन में से काफी विशाल का बर्फीला दानव बाहर आता है और ये देखकर पूरी टीम काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसी दानव के कारण उनकी वैन वहां से काफी नीचे गिर जाती है जिस कारण से वैन में मौजूद सभी लोग घायल हो जाते हैं और इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में एक इंसान देखते हैं जिसका नाम रेनियेपे होता है और इस समय ये अपनी स्टोर में बैठा होता है जहां पर कुछ लोग आते हैं और इसके स्टोर से कुछ सामान चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेनियेपे उन सभी लोगों को अपनी फाइटिंग स्किल से काफी मारता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देता है, जिसके तुरंत ही बाद रेनियेपे से मिलने दो लोग आते हैं जिसमें एक का नाम सेन होता है और दूसरे का नाम वैन, और ये दोनों लोग उसी टीम के मेंबर हैं जिस टीम के कुछ लोग अभी अभी उस बर्फीली जगह में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और ये लोग यहां पर उसी टीम को बचाने के लिए रेनियेपे से हेल्प मांगने आए हैं क्योंकि रेनियेपे भी पहले इन्हीं लोगों के साथ इनकी टीम में था, लेकिन रेनियेपे उनके साथ जाने के लिए साफ मना कर देता है। तो उसके मना करने के कारण सेन रेनियेपे को बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सू चैन भी उसी वैन में थी और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है, तो वो दोबारा से उसे चलने के लिए बोलते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनते ही रेनियेपे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ये लोग एक आर्मी की काफी बड़ी टीम लेकर सीधा उसी रास्ते पर निकल जाते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए, जहां सबसे पहले ये लोग एक पुराने से मंदिर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर रेनियेपे कुछ जांच पड़ताल करता है और इसी बीच रेनियेपे का हाथ एक जगह पर लग जाता है जिसके बाद तुरंत ही वहां पर धरती को फाड़ते हुए चार पांच पहाड़ जैसे खंभे आ जाते हैं जिसे देखकर ये लोग फिर घबराते हैं, लेकिन इसके तुरंत ही बाद इनके पैरों के नीचे की जमीन अपने आप टूट जाती है और ये लोग काफी नीचे गिरते हैं, लेकिन इन लोगों को इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आती है। और जब ये लोग खड़े होकर देखते हैं तो ये एक तरह की गुफा होती है जहां कुछ देखने पर पता चलता है कि यहां पर इंसानों के काफी सारे कंकाल हैं, लेकिन ये देखकर ये लोग दोबारा से अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं जहां दोबारा से ये लोग एक ऐसे पंछी का कंकाल देखते हैं जो आज से हजारों साल पहले ही धरती से लुप्त हो चुका है और इस पंछी का कंकाल काफी ज्यादा ताजा लगता है। तो ये देखकर ये सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अचानक से वहां पर उसी तरह के हजारों पंछी उन पर अटैक कर देते हैं और इन पंछियों की संख्या इतनी ज्यादा होती आर्मी की एक भी गोली भी उन पर काम नहीं करती है और ये पंछी एक एक करके काफी सारे फाइटर्स को मार देते हैं। लेकिन इसी बीच रेनियेपे बचते हुए एक चीज नोटिस करता है कि ये पंछी केवल आवाज की मदद से ही अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं। तो इसके तुरंत बाद ही रेनियेपे अपने पास रखी एक लकड़ काफी दूर फेंकता है जिसे सुनकर वो पंछी भी उस लकड़ के पीछे चले जाते हैं और इन लोगों की जान बच जाती है। अब ये लोग किसी तरह से बचते हुए उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और अब ये लोग उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर इनकी टीम का एक्सीडेंट हुआ था और इस जगह को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये जगह धरती से एकदम अलग है और यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इन लोगों को भी यहाँ पर पता चलता है कि इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा है। अब ये लोग दोबारा से अपनी टीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ आगे जाते ही ये लोग एक कंकाल देखते हैं जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और धरती पर इस तरह का कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। तो वैन उन लोगों को बताता है कि इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा है जिस कारण से यहां के जानवर का साइज काफी बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद ये लोग फिर से अपनी टीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ ही आगे इन लोगों को कार के कुछ टुकड़े मिलते हैं जिनसे इन्हें पता चल जाता है कि ये टुकड़े इनकी टीम के कार के ही है और हो ना हो यही आसपास ही इनकी टीम की कार का एक्सीडेंट हुआ है। और साथ में इनको एक कैमरा भी मिलता है जिसकी वीडियो देख के इन्हें अंदाजा होता है कि इनकी टीम के मेंबर अभी भी जिंदा हो सकते हैं। तो ये देखकर ये लोग दोबारा से पूरी हिम्मत के साथ अपनी टीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं और अब दोबारा से कुछ आगे चलने के बाद इन्हें अपने जमीन के नीचे की बर्फ में कुछ हलचल महसूस होना शुरू हो जाती है। तो पूरी टीम जल्दी से अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है, लेकिन अचानक से बर्फ में से एक काफी बड़ी और खूंखार शार्क बाहर आती है जो पानी की जगह इस बर्फ के अंदर ही रहती है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि धरती पर इस तरह शार्क नहीं पाई जाती है। और ये शार्क आते ही इन सब पर अटैक कर देती है जिसके बचाव में ये लोग भी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो शार्क इतनी ज्यादा तेज होती है कि इनकी एक भी गोली उस पर काम नहीं करती है और ये शार्क बार बार छुपकर इन पर अटैक करती है जिस कारण इनके कुछ लोग भी उस शार्क के मुंह के अंदर चले जाते हैं और एंड में वो शार्क इन सब पर एक बार में ही अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर वो ही काफी बड़ा और खूंखार दिखने वाला बर्फीला दानव आ जाता है और वो अपने एक ही हाथ से उस शार्क को पकड़ लेता है और इस
दानव को देखकर ये सभी लोग और ज्यादा घबराओ और डर जाते हैं, लेकिन वो बर्फीला दानव इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो उस सार्क को मार कर खा जाता है। लेकिन इन लोगों की घबराहट के कारण इन्हीं में से एक आदमी की गलती से एक गोली उस मॉन्स्टर के ऊपर चल जाती है, जिस कारण से वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी लैंग्वेज से इन सबको डराने की कोशिश करता है, जिसके आंसर में ये लोग उस पर गोलियां फायर करना शुरू कर देते हैं। पर उस दानव का आकार इतना बड़ा होता है कि उस पर एक भी गोली काम नहीं करती है। पर एंड में वो लोग एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से उस दानव पर एक रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, पर वो दानव उस रॉकेट से बच जाता है और वो रॉकेट सीधा उसी के बगल में मौजूद एक पहाड़ी पर लगता है, जिस कारण से वो पहाड़ी टूटना शुरू हो जाती है और उसकी सारी बर्फ आकर सीधा इन्हीं लोगों पर गिरती है, जिस कारण से ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद जब रेने फेकी दोबारा से आंखें खुलती है तो वो एक गुफा के अंदर होता है और उसके साथ उसके कुछ फाइटर भी होते हैं, और इस समय इन सभी को काफी टाइट बांध रखा है और इनके चारों ओर एक पुरानी और आदिवासी सभ्यता दिखती है और ये लोग दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं, जिसके बाद वो आदिवासी लोग रेनेफे के साथ मौजूद एक फाइटर के पैर को चाकू से काटते हैं, जिस कारण से उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये देखकर रेनेफे अपने साथ छुपाई गई एक चाकू से अपनी रस्सी काट देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उन आदिवासियों के सरदार को बंदी बना लेता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से उन्हीं आदिवासियों में से एक लड़की जिसका नाम काया होता है वो आ जाती है और वो अपनी फाइटिंग स्किल से अपने सरदार को रेनेफे से छुड़ा लेती है और वो कुछ ही सेकंडों में रेनेफे को उसी चाकू से बंदी बना लेती है। और उनके सरदार को बंदी बनाने के कारण ये लोग रेनेफे को जान से मारने वाले होते हैं कि पीछे से वहां पर सुसैंग आ जाती है, जो काया को सीधा बोलती है कि वो रेनेफे को छोड़ दे, तो ये सुनकर काया उसे चुपचाप छोड़ देती है। लेकिन इसके बाद रेनेफे दोबारा से बेहोश हो जाता है और जब वो दोबारा से होश में आता है तो वो इस बार अपने साथ सुसैंग को भी पाता है और अब सुसैंग उसको बताती है इन्हीं आदिवासी लोगों ने उसकी वैन के एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जान बचाई थी और उनके सभी साथियों की मौत हो गई है और वो अकेली ही जिंदा बची है और इन लोगों को भी इन्हीं आदिवासियों ने बचाया है। और जिस समय वो आदिवासी इनके पैरों पर कट लगा रहे थे वो इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वो इनका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो लोग पैर में जमे खून को निकाल रहे थे, जिस कारण से इनकी जान बच गई। और जब रेनेफे ने उनके सरदार पर अटैक किया तो बदले में उन लोगों ने रेनेफे को जान से मारने की कोशिश की और ये लोग उसके अलावा काफी अच्छे हैं और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और यहां दूसरी तरफ रेनेफे के साथ आई बाकी टीम अभी भी उसी बर्फीली जगह पर बाहर फंसी हुई है, क्योंकि इन आदिवासियों को ढूंढते समय केवल रेनेफे और उसके लोग ही मिले थे और बाकी लोग उनको नहीं मिल पाए थे, जिस कारण से बाकी टीम अभी भी बाहर है। लेकिन फिर से उनके नीचे की जमीन हिलना शुरू हो जाती है और वो लोग अपने सामने देखते हैं कि वही बर्फीला दानव उनके पास से गुजर जाता है, पर वो उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये देखकर बाकी लोग तो काफी डरते हैं, पर लिन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बैग से एक डीएनए निकालने वाला इंजेक्शन निकाल और अपने साथ मौजूद फाइटरों के लीडर को बोलता है कि उसके यहाँ आने का कारण टीम को ढूंढना नहीं था, वो तो यहाँ पर केवल इस मॉन्स्टर के लिए आया है क्योंकि ये इस मॉन्स्टर को यहाँ से ले जाकर इस पर रिसर्च करेगा। ये सुनकर वो लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इस मिशन में उसके काफी सारे लोग मारे गए हैं और अब वो लीडर इसका साथ देने के लिए मना कर देता है। लेकिन लिन दोबारा से उन सबको डबल पैसे देने का लालच दे देता है, तो वो सभी फाइटर अब लिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये लोग मिलकर इस बर्फीले दानव का पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसे पकड़कर बंदी बनाने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ सुसैंग रेनेफे को बोलती है कि हम लोग यहाँ से बाहर जाते ही इस जगह के बारे में सबको बता देंगे कि ये जगह कितनी अच्छी है, लेकिन रेनेफे उसे ये करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि बाहर की दुनिया के लोगों को इस जगह के बारे में पता चलते ही वो लोग इस जगह को अपने कब्जे में ले लेंगे और इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इसके बाद ये सभी लोग उन आदिवासियों के साथ उनके एक मंदिर में जाते हैं, जहाँ ये लोग आज अपने एक त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस त्योहार में ये लोग उसी बर्फीले दानव को अपने पास बुलाते हैं और इन आदिवासियों की रानी उस दानव से बात करती है और ये सभी लोग उस दानव को काफी पवित्र मानते हैं। और देखते ही देखते वो रानी उस दानव को अपने पास बुला लेती है और वो दानव भी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। और अब रेनेफे देखता है कि ये दानव केवल दिखने में खतरनाक है पर ये किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये काफी मिलनसार है। और दानव को देखकर वैन का पैर फिसल जाता है तो वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो दानव हंसना शुरू कर देता है और वहां मौजूद सभी लोग दानव के साथ हंसते हैं। इसके बाद दानव की नजर रेनेफे के ऊपर जाती है, वो अपना एक हाथ रेनेफे की ओर बढ़ाता है, जिसे देखकर पहले तो रेनेफे डरता है पर वो दोबारा से हिम्मत करके अपने हाथ से उस दानव के हाथ को टच कर देता है, जिसका मतलब वो दानव भी रेनेफे को पसंद करता है। और अब रेनेफे को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये दानव किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये सबके साथ मिलकर रहता है। लेकिन इसी बीच उस दानव पर उसके पीछे से एक हमला होता है, जिसके बाद काफी सारे रॉकेट लॉन्चर उस मंदिर पर गिरते हैं, जिस कारण से काफी सारे लोग घायल होते हैं और पूरा मंदिर तहस नहस हो जाता है। इसके बाद वहां पर लिन और उसकी पूरी टीम आती है और ये सब कुछ लिन और उसकी टीम ने ही किया था, क्योंकि ये सभी लोग अब इस दानव को पकड़ना चाहते हैं। अब कुछ देर बाद सभी आदिवासी भी हिम्मत कर खड़े हो जाते हैं और जब वो लोग इनकी ये गलत हरकत देखते हैं तो वो लोग इन सबसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी आदिवासी इनके एडवांस डिवाइसेस के आगे टिक नहीं पाते हैं और ये लोग बड़ी बेरहमी से काफी सारे आदिवासियों को जान से मार देते हैं। और ये देखकर वो दानव फिर से गुस्सा हो जाता है और वो इन सब पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन दोबारा से अपने साथ लाई एक एडवांस गन से उस पर फायर करता है, जिस फायर से मॉन्स्टर को काफी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिस कारण से वो दानव बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन इसके बाद सुसैंग लिन
लिन से ये सब रोकने के लिए बोलती है, पर लिन उसे बोलता है कि वो किसी भी कीमत पर इस दानव को अपने साथ रिसर्च करने के लिए लेके जाएगा। जिसके बाद वो फिर से रानी के पास जाता है, क्योंकि इन सभी में केवल एक ही इंसान है जो इस दानव से बात कर उसे अपने पास बुला सकता है। तो वो दोबारा से रानी को फोर्स करता है कि वो उस दानव को अपने पास बुलाए, पर रानी ये करने से साफ मना कर देती है। तो लिन सीधा उस रानी के हस्बैंड राजा को गोली मार देता है, जिसे देखकर सभी आदिवासी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और अब दोबारा से लिन रानी को पकड़कर अपने साथ उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन दोबारा से बाहर उन सब पर वही बर्फीली सार अटैक कर देती है। लेकिन लिन दोबारा से अपनी उसी इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल उन सार्कों पर करता है, जिस कारण से उन सार्क की मौत हो जाती है। और अब दोबारा से लिन रानी को फोर्स करता है कि वो जल्दी से दानव को अपने पास बुलाए, पर रानी फिर से ये करने से मना कर देती है। तो लिन इस बार रानी की बेटी काया पर गन लगा देता है और वो उसे मारने की धमकी दे देता है। लेकिन काया एक काफी मजबूत लड़की है, तो वो एकदम से उससे बचने की कोशिश करती है, जिस कारण से वो आर्मी का लीडर एक गोली काया की ओर चला देता है। पर रानी उस गोली के बीच में आ जाती है और वो गोली काया की जगह रानी को लग जाती है और रानी की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब देखकर वो दानव दोबारा से बाहर आ जाता है और अब वो रानी के मरने के कारण काफी गुस्सा होता है। और यहाँ ये लोग उस दानव पर दोबारा से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और साथ में लिन भी अपनी इलेक्ट्रिक गन से उस दानव पर निशाना लगाता है। पर इस बार वो दानव उसकी गन से बच जाता है और सब पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। और अब ये दानव इन सबको मारने वाला होता है, पीछे से उसके ऊपर कुछ फाइटर जेट्स आकर अटैक कर देते हैं। और ये सभी फाइटर जेट लिन ने ही अपने पास बुलाए हैं इस दानव को पकड़ने के लिए। और ये फाइटर जेट आते ही अपने प्लेन में लगे एक डिवाइस की मदद, जिसमें से काफी खतरनाक शॉक वेव निकलती है, उससे उस दानव को काबू में कर लेते हैं। और दूसरी तरफ लिन उस मॉन्स्टर को बेहोश करने के लिए उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है। वहां पर सुसैंग आ जाती है और वो अपनी गन से लिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिन अपनी फुर्ती से सुसैंग से गन छीन लेता है। और अब लिन सुसैंग को गन पॉइंट पर ही उसे उसके साथ काम करने के लिए बोलता है और साथ में वो ये भी बोलता है अगर उसने ये नहीं किया तो वो उसे अभी यहीं पर जान से मार देगा। पर इसी बीच सुसैंग का पैर फिसल जाता है और वो उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, तभी वहां पर रेनेफे आ जाता है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस पहाड़ी से कूद कर सुसैंग की जान बचा लेता है। और ऊपर से वैन उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास एक रस्सी फेंकता है, जिसकी मदद से वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। और अब ऊपर आते ही रेनेफे अपने पास पड़ी एक गन से एक रॉकेट सीधा एक फाइटर जेट की ओर मारता है, जिससे वो फाइटर जेट तबाह होकर नीचे गिर जाता है, जिस कारण से दानव भी कुछ होश में आता है और वो हिम्मत कर दोबारा से खड़ा हो जाता है। और वो देखते ही देखते बाकी बचे सभी फाइटर जेटों को मार गिराता है और अब केवल लिन ही जिंदा बचा है। पर मॉन्स्टर दोबारा से पहले उस पर अटैक नहीं करता है, पर लिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो दोबारा से दानव पर इलेक्ट्रिक गन चलाता है, जिससे वो दानव बचकर इस बार लिन को अपने पैरों से ही कुचल के मार डालता है। और अब दानव को पकड़ने के लिए कोई भी जिंदा नहीं बचा। और अब वो दानव रेनेफे और सुसैंग के पास आता और काफी अफसोस भरी नजरों से उनकी ओर देखता है और वो दोबारा से वहां से चला जाता है, जिसके बाद ये लोग भी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अब इन आदिवासियों के काफी सारे लोग मर चुके हैं और ये संख्या में भी काफी कम बचे हैं। इस सब का अफसोस इन तीनों को भी है, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं के कारण हुआ है। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको एक दो घंटे की मूवी 10 मिनट में बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ये मूवी आपको देखनी है नहीं। धन्यवाद।